मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा फ्रॉड बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय कॉग्निजिबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन बलपूर्वक फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं।